सो हे गाइज एंड यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार वीडियो का मेन मुद्दा स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि यार सेकंड चैनल को चेकआउट करना मत भूलना। वहां पे मैं पोकेमॉन यूनाइट से रिलेटेड गेम प्लेस डालता हूँ, काफी मजे आते हैं भाई उस चैनल पे, तो वहां पे भी आ जाना। और इन फ्यूचर शायद हम लोग तुम्हारे फेवरेट गेम भी खेलना वहां पे स्टार्ट करें। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर एक रीजन के फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट पोकेमॉन के बारे में। और यार यहाँ पर मैं स्टैट वाइज भी उन पोकेमॉन के बारे में बात करूंगा और विदाउट स्टैट वाइज भी करूंगा। वेल अभी तक टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंटो रीजन की। और यार कैंटो में सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन कौन होगा ये तुमसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो तुम में से काफी लोगों के दिमाग में यही आएगा, या तो वो ड्रैगनाइट होगा या तो वो रैपिडैश होगा। पर यार दोनों में से आंसर ये भी नहीं है, मतलब दोनों ही आंसर नहीं है। बेसिकली इसका आंसर है इलेक्ट्रोड। तुम में से कई लोग बोलोगे भाई तू पागल तो नहीं है, इसके तो पैर भी नहीं है, ये इतनी ज्यादा स्पीड से भाग कैसे सकता है और ये फास्टेस्ट पोकेमॉन कैसा होगा। तो यार देखो यार तुम लोगों ने जब वो रेस देखी थी पोकेमॉन में जब हुई थी, ऐश हमारा एक रेस में पार्ट लेता है पोनीटा के साथ, वहां पे एक इलेक्ट्रोड ने भाई वहां की रेस को डोमिनेट किया था अपना रोल रोल करके। और यार वो रोल करके इतनी ज्यादा स्पीड गेन करता है। इसके बेस स्टैट्स में इसकी जो कि स्पीड है वो है 150। और यार पूरे कॉन्टो के पोकेमॉन्स में से सबसे ज्यादा स्पीड स्टैट्स है इसके जो कि है 150। लेकिन यार ये पोकेमॉन स्पीड के मामले में काफी ज्यादा सही है, लेकिन अगर तुम लोग इसको एकदम अच्छे से लॉजिकली देखो तो यार ये काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है और इसके पास कोई भी जाता है तो फट जाता है, और फटने के बाद भाई इसको काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सबसे ज्यादा स्पीडी पोकेमॉन है कांटो से। और यार अगर सबसे स्पीडी पोकेमॉन की तुम बात करोगे तो वो रैपिडैश एंड ड्रैगन नाइट में से कोई एक होगा उसका आंसर। और यार सबसे स्लो पोकेमॉन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो भाई मेरे हिसाब से होगा शेल्डर, क्योंकि यार इसके ना पैर है ना कुछ, इसको स्लोब्रो की पूछ को काटना होता है चलने के लिए। और स्लोब्रो भी काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन यार उससे भी ज्यादा स्लो हमारा शेल्डर है। तो यार हाँ ये है हमारा स्लोएस्ट पोकेमॉन। तो यार अगर हम लोग जेन 2 के सबसे ज्यादा स्पीडी पोकेमॉन की बात करें तो यार वो था क्रोबैट। ऑफकोर्स यार हमारे गोलबैट का नेक्स्ट स्टेज, और मतलब जोटो में ही इस पोकेमॉन को नया एवोल्यूशन मिला था। और ऑफकोर्स भाई इस पोकेमॉन के पास साउंड वेव की पावर है तो इसके पास स्पीड तो होगी ही, उन साउंड वेव्स को ट्रैक करने के लिए तो इसको स्पीड की जरूरत है ही। और यार इसके बेस स्टैट्स में इसकी जो कि स्पीड है वो 130 है जो कि यार बहुत ही ज्यादा है। तो यार जोटो का सबसे स्लोएस्ट पोकेमॉन है वो है शकल। और यार शकल का अगर तुम लोग बाकी सारे पोकेमॉन के साथ अगर एक लिस्ट भी बना दो स्लोएस्ट पोकेमॉन की तो यार वो नंबर 1 पे ही आएगा। और यार एक काफी ज्यादा स्लो चलने वाला पोकेमॉन है और काफी ज्यादा जल्दी डर जाता है, और इसको रेस वगैरह में लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लेकिन यार बैटल के टाइम भाई शकल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, तुम लोगों ने एक ट्रेनर का शकल देखा ही होगा, उसने क्या ही मार के रखी थी सबकी। अगर हम लोग होइन रीजन की बात करें तो यार होइन में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन था डियोक्सिस का स्पीडी फॉर्म। और ऑफ कोर्स भाई वो डियोक्सिस वहां का भाई एक लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन था जो कि यार काफी ज्यादा स्ट्रांग था। रिक्वाजा को तक इसके खिलाफ भाई स्ट्रगल करना पड़ा था, और यार डियोक्सिस में अलग ही लेवल की पावर थी। डियोक्सिस के 3 फॉर्म होते हैं तुम जानती हो भाई, एक डिफेंस, अटैक एंड एक स्पीड। और स्पीड फॉर्म में उसके जो कि स्टैट होते हैं वो 150 से 180 हो जाते हैं जिससे इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स यार ये पोकेमॉन स्पेस वगैरह तक जाके आया है तो यार इसकी स्पीड इतनी तो होनी ही चाहिए। और यार अगर लेजेंडरी एंड मिथिकल की बात ना करें तो यार तुम लोग जानते हो भाई निंजैक्स, ये पोकेमॉन काफी ज्यादा स्पीड में मतलब मचा देता है यार ये। और यार निंजास हमारे फेवरेट राइवल पॉल के पास भी था तो यार इसके बारे में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर इस रीजन के स्लोएस्ट पोकेमॉन की बात करें तो ये वो है ड्रैपिन। इसके बेस स्टैट्स के हिसाब से उसकी सिर्फ 10 है भाई स्पीड, और इतनी कम स्पीड भाई हमारे मंचलैक्स की भी नहीं है। सिंस यार ये पोकेमॉन इवॉल्व होके बनता है एक फ्लैगॉन जो कि काफी अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन यार स्टिल इसकी स्पीड पूरे होइन में सबसे कम है। बात करें अगर सिनो रीजन की तो यार सिनो रीजन में सबसे ज्यादा स्पीडी पोकेमॉन था शाइमिन का स्काई फॉर्म। और ऑफ कोर्स भाई ये भी डियोक्सिस टाइप में भाई इसकी
मतलब एक अलग सा फॉर्म है। लेकिन यार शीमिन के अलावा किसी पोकेमोन की बात करें तो वो है वी वाइल। और ऑफ कोर्स भाई वी वाइल के जो कि स्टैट्स है वो 125 है स्पीड में, और जो कि शीमिन की स्टैट्स है वो है 127, तो काफी बहुत छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। और मैंने जहां से इस स्पीडी पोकेमोन्स की लिस्ट को उठाया भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बोल मत देना कि मैंने किसी यूट्यूबर से ये वीडियो कॉपी कर ली है। खैर अगर हम इस रीजन के स्लोएस्ट पोकेमोन की बात करें तो यार वो मंचलैक्स होगा। अब यार यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि मेरी तरह काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार मंचलैक्स का जो कि बेबी फॉर्म है वो ना कि होएन में हम लोगों को दिखाया गया था, उसका जो कि बेबी फॉर्म है वो हम लोगों को सिनो में इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये पोकेमोन हमारा सिनो से है। यूनोवा का जो कि सबसे स्पीडी पोकेमोन है वो है एसलगोर, और इसके अगर तुम लोग बेस स्टैट्स की बात करोगे तो वो है 145, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन यार तुम में से काफी लोग सोचोगे इसके तो ना पैर है ना कुछ, और ऑफ कोर्स यार ये एक बग टाइप पोकेमोन है तो इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड क्यों है, अब वो तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन यार ये पोकेमोन एक निंजा पे बेस्ड है, और मुझे पता नहीं भाई इसको निंजा पे क्यों बेस्ड रखा और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है, मैं बस बता रहा हूं तुम लोगों को। अगर हम लोग इस रीजन के सबसे ज्यादा स्लोएस्ट पोकेमोन की बात करें तो वो है स्फेरो सीड, और ये भी एक बग टाइप पोकेमोन है, और इसके बेस स्टैट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 10 है, तो ठीक है यार अब है तो है ना। कैलोस का जो कि सबसे ज्यादा स्पीडी पोकेमोन है वो है टेलोन फ्लेम, इसकी जो कि बेस स्टैट्स है वो है 126, और यार ये तुम लोगों का फेवरेट होगा ही यार ऑफ कोर्स टेलोन फ्लेम, और यार पोकेमोन यूनाइट में तो भाई ये क्या ही खतरनाक है। खैर अगर हम लोग इसको हटा के और कुछ पोकेमोन्स की बात करें तो यार वो है मेगा एरोडैक्टाइल एंड मेगा एलेकजाम, और इन दोनों के बीच में भाई एक तरह से टाई है क्योंकि दोनों के स्पीड स्टैट सेम ही है। और यार कैलोस के सबसे स्लोएस्ट पोकेमोन की बात करें तो थी स्प्लिटजी, जिस जो कि काफी ज्यादा स्लो थी और ये फेरी टाइपिंग की थी, तो हाँ यार स्लो होना जायज है। अलोला का जो कि फास्टेस्ट पोकेमोन था वो था एक फेरमोसा, और वो एक अल्ट्रा बेस्ट पोकेमोन है और ये फ्लाई भी कर सकता है। इसके बेस स्टैट्स में इसकी स्पीड है 151, और अगर हम लोग स्लोएस्ट की बात करें तो है प्यूकुमुकु, जो कि काफी क्यूट पोकेमोन है, और ये स्लोएस्ट पोकेमोन है अलोला का। वेल यार फाइनली गेलार की बारी आती है, और यार गेलार में जो कि सबसे ज्यादा स्पीडी पोकेमोन है वो ये है, ये रेजी फैमिली का ही एक न्यू मेंबर है, और यार ये इलेक्ट्रिक टाइप रेजी है, और इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था तो मैं इसका नाम भी नहीं ले रहा, तुम खुद ही पढ़ लो। और यार इसके बेस स्टैट्स में अगर तुम इसके फुल स्टैट्स की बात करो तो यार वो है 200, और यार ये बाकी सारे जितने भी पोकेमोन अभी तक लिस्ट में आया है किसी भी रीजन से उन सबसे ज्यादा स्टैट्स होल्ड करता है। इनफैक्ट भाई वो हमारे डिओक्सिस के स्पीड फॉर्म से भी ज्यादा स्पीड मतलब गैदर कर लेता है ये, तो ये पोकेमोन सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। और स्लो की क्या ही बात करूं यार मैं, छोड़ो इस रीजन का स्लोएस्ट पोकेमोन छोड़ देते हैं। और वेल यार आज के वीडियो बस इतना, तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सेकंड चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, और अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।